वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे आज देखें कितनी ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ अमेरिका में कि ये सब जो है ग्रास फ्रीज हो गई है ठंड की वजह से तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि देखें तब जब बर्फबारी के बग़ैर ही यहाँ पर बर्फ जमी हुई है और ये देखें सामने ये जो आपको तो, ये टॉप नज़र आ रहा है ऊपर तो इनके घरों का यहाँ पर भी ये सब आइस जमी हुई है तो बगैर बर्फबारी के ही बर्फ़ है यहाँ पर तो बड़ा मज़ा आता है इधर इस तरह का देख के ना वेदर तो काफ़ी ठंड है ना यहाँ रात में और ये दिन में देखें सारा ये फ्रीज हुआ हुआ है और जो अब धूप निकल रही है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आइस जमी है वहाँ पर आ, ये पानी है तो आइस का पानी गिर रहा है यहाँ हमारे ये डॉग हाउस से तो ये बड़ी वैसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है आगे जो है हमारा नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा ठंड है इधर इन यहाँ पे कुछ स्नोफॉल वगैरह हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ़िलहाल के लिए बगैर स्नोफॉल के ही आप देखें कि कैसे फ्रीज हुआ हुआ है सारा मानी रहीम आज मैं बना रही हूँ धुआँ दम कबाब और ये इन्तहाई मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है आज आप जब बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार रेसिपी है इसके लिए मैंने जो धुआँ दम कबाब के लिए मैंने सबसे पहले जो चीज़ ली है वो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ ली है और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही मैंने इसके लिए लिया है आधी घट्टी हरा धनिया उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था दो से तीन हरी मिर्चें हैं साथ वो भी चॉप कर ली थी इन चीज़ों को चॉप करने का पहले मकसद ये है कि इसका मैंने अच्छी तरह पानी निकाल लिया था प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए अगर कबाब में प्याज का पानी मौजूद हुआ तो कबाब टूट जाएंगे तो पहले आप किसी भी कपड़े में डाल के या हाथों की मदद से प्याज और हरा धनिया वगैरह का पानी अच्छी तरह निकाल लें और इसको एक प्लेट में रख लें फिर ताकि हम ताकि उसको फिर कीमे के साथ पीस सकें इसके लिए जो कबाब के लिए जो मैंने अज्जा लिया उस मेरे पास था बीफ़ का गोश्त था आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं साथ मैंने इसके लिए है जो हरा धनिया हरी मिर्चें और प्याज का जो मैंने चॉप की थी वो है और मसालों में मैंने जो चीज़ें ली हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ साथ मैंने इसके दो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और दो टेबल स्पून इसके अंदर मैंने अदरक लहसन के डाले हैं और दो टेबल स्पून मक्खन के डाले हैं मसालों में जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें सबसे पहले मैंने नमक लिया था एक टी स्पो टेबल स्पून नमक है इसमें एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं एक टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें हैं हाफ टी स्पून ही काली मिर्च है और एक टी स्पून इसमें गर्म मसाला है और एक टेबल स्पून मैंने इसमें सीख कबाब का मसाला डाला था आप चाहें तो तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं वैसे सीख कबाब से ज़्यादा अच्छा बनता है और एक टी स्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ जीरा है दो टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बेसन के डाले हैं ये इसके सारे अज्जा हैं और आपने इन सब चीज़ों को एक साथ ही ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है यानी चॉपर में जो आप सारा ही मेरे पास गोश्त आप चाहें तो कीमा भी हो तो आप कोई मसला नहीं लेकिन इसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है सारे आप चीज़ें एक ही ब्लेंडर में डालें और इसको चॉप कर लें जो भी मैंने आपको अज्जा बताए हैं बस सिर्फ क्या है कि इसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है ताकि फिर ये टूटे ना तलते वक्त ये जो कबाब है हमारे टूटे ना तो आप ये देखें मेरे पास ब्लेंडर था आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसके अंदर इसको पीस लें सब चीज़ों को और फिर आप इसके हम कबाब बनाएंगे अभी मैं आपको ये बताती हूँ ये देखें साथ ये इस तरह से ये होना चाहिए बिल्कुल फाइन चॉप होना चाहिए कीमा साथ ही मैंने एक एक जो है मैंने कोयला गरम करने चूल्हे पे रख दिया था तो उसका क्योंकि मैंने स्मोक देना है इस कीमे के अंदर जब कीमा मेरा सारा चॉप हो गया था तो तब मैंने एक आप फॉइल पेपर ले लें ले, या प्याज का छिलका वगैरह उसके ऊपर आप ये कोयला रखें और इसके ऊपर एक टेबल स्पून ऑयल के डालें और प्लेट इसके ऊपर ढक दें कोई भी ढक्कन वगैरह इस पर ढक दें और पाँच से सात मिनट इसको आपने इसी तरह से ही ढक के रखना है ताकि जो कोयले का स्मोक है वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए गोश्त के अंदर तो और बाद में हम फिर इसके कबाब बनाएँगे फिर मैंने इसको तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन मैंने दो से तीन घंटे इसको मैरिनेशन का टाइम दिया था मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था दो से तीन घंटे फ्रिज में रख दें इसको ताकि अच्छी तरह से मसाले जो हैं कीमे के अंदर अब्ज़ॉर्व हो जाएं तो ये देखिए मैंने फ्रिज में दो घंटे इसको रखा है फिर तकरीबन दो से तीन घंटे गुजरने के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला था और फिर मैंने इसके कबाब बनाए थे जो कि बड़े ही मज़ेदार डिलीशियस और आ, बड़े टेस्टी कबाब बने थे आप बनाएं और मुझे बताएं भी ज़रूर कि आपको तो कैसे लगे हैं और बड़े कम वक्त में बन जाते हैं इतनी मेहनत नहीं है इसमें जल्दी बन जाते हैं आप ये देखें जब मैंने दो से तीन घंटे के बाद ये कीमा निकाला तो फिर मैंने इसके आ, मेरे पास विस्क थी जो घर में नॉर्मल दही वगैरह फेंटने के लिए होती है मैंने उसके साथ ये इसकी शेप दी थी आपके पास अगर सीखें हों तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं या जिस तरह आपको बेहतर लगे ये सबसे आसान तरीका है तो आप इसको देख लें अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो ये फ्राई बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे अंदर तक तो आप ये विस्क पे इस तरह से लपेट के और हाँ अतेली के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर उसकी ऑयल की मदद से पानी नहीं लगाना है इसमें ऑयल लगाना है हाथ पर और फिर इस तरह हमने ये देखें सारी ये बड़े अच्छी सी शेप बन जाती है इसकी आ, सारे कबाब इसी तरह से ही बना लेने हैं ये एक बार और मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजी रहे बनाने में ये आसान तरीका है बहुत तो इस तरह आप सारे कबाब रेडी कर लें और फिर हमने इसको क्या करना है कि शैलो फ्राई करने हैं ये सारे कबाब रेडी हो गए हैं और ये देखें इस तरह से इसको आप रेडी कर लें और फिर हमने शैलो फ्राई करना है इसको तकरीबन हाफ प्याली मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है सबसे पहले और फिर इसके अंदर मैंने वन बाय वन आप सारे इसमें कबाब डालते जाएं और बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये इन तैयार हो जाते हैं कबाब तो आप इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथ से आप इसको पलटते रहें और 15 मिनट में ये कबाब रेडी हो जाएंगे आप चाहें तो इसको रिफ़्रेशमेंट के तौर पे भी बना सकते हैं आप चाहें तो ग्रेवी भी इसकी बना सकते हैं मैंने डिनर में बनाए थे तो मैंने तो ग्रेवी के साथ बनाए थे लेकिन आप चाहें तो इसको आप रिफ्रेशमेंट के तौर पर इस तरह से भी सिर्फ कबाब भी सर्व कर सकते हैं तो ये देखें कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन कबाब तैयार हो गए थे साथ ही मैंने इस तरह से निकाल के आपको बताने के लिए रखे हैं कि आप चाहें तो इस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और आगे मैं आपको इसकी ग्रेवी का भी तरीका बता बता रही हूँ कि आपने इसकी ग्रेवी किस तरह बनानी है ग्रेवी के साथ तो ये बड़े मज़े के बने थे तो रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं कबाब तो आप देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अच्छा ग्रेवी के जो हैं वो आप देख लें कि एक छोटी मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और ये टमाटो पेस्ट बनाया जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ किस तरह से है हाफ प्याली मैंने इसके अंदर दही के ऐड किए आप दो टमाटर ले लें ले ले और उसके छिलके रिमूव कर दें सारे और फिर उसको ब्लैंडर में डाल के पीस लें टमाटरों को उसके अंदर मसाले ऐड करें सबसे पहले आप इसके अंदर हाफ एक टी स्पून नमक डाला है मैंने एक टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हाफ टी स्पून हुई मिर्च है और एक से डेढ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर के डाले हैं हाफ़ हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर का डाला है तो इसको आप इसी टमाटो पेस्ट के अंदर ये सारे मसाले ऐड कर लें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और जो ऑयल बचा हुआ ऑयल है जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे उसी कबाब उसी ऑयल के अंदर मैंने सबसे पहले प्याज डाली है एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ले ली थी और उसको मैंने ब्राउन होने तक फ़्राई किया है प्याज़ को जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो तब मैंने इसके अंदर जो टमाटो पेस्ट मैंने बनाया था सारे मसाले डाल के वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और इन दोनों चीज़ों यानी कि सारे मसाले और ये मैंने अच्छी तरह से भून लिए थे उसके बाद मैंने हाफ प्याली इसके अंदर दही के डाले हैं और फिर दही के साथ तकरीबन चार से पाँच मिनट मैंने दही के साथ इसको पका लिया था और ये माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्रेवी बन गई थी और फिर मैंने इसके अंदर जो फ्राई हुए हुए कबाब थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे क्योंकि कबाब पके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है दस मिनट इसके लिए काफ़ी होते हैं पकाने के लिए तो जब ये मसाला थोड़ा सा भुना हुआ होगा तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए तो आपने बस इसको चलाना है और पाँच मिनट इसको दम पे रख देना है और साथ इसके आपने जोलियन कट अदरक डाल देनी है हरा धनिया डाल देना है इसके ऊपर और ये स्लाइस की हुई राउंड में जो कटी हुई प्याज़ है ये आप डालें और इसको इंजॉय करें माशाला से बड़े अच्छे अच्छे कबाब बने थे आप मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताएं भी ज़रूर कि आपको कैसी लगी इनशाला अगली हाज़िर होंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ